बहुत सारे मेडिसिन्स मार्केट में आज के डेट में अवेलेबल है इरेक्शन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। इसमें से एक बहुत इजीली या बहुत कॉमनली अवेलेबल मेडिसिन है टडालाफिल। ज़्यादातर पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो हम भी टडालाफिल को ही प्रेफर करते हैं कंपेयर टू दी अदर सॉल्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये एक बहुत नया जनरेशन का मॉलिक्यूल है, तो अगर हम कंपेयर करें इसे अपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स सिल्डेनाफिल से, तो सिल्डेनाफिल लॉन्च हुआ था 1996 में, टडालाफिल उसके काफ़ी बाद आया है और इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं। जैसे कि इसको खाने के साथ भी आप ले सकते हैं, इसको लेने के बाद ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2 दिन तक इसका असर रहता है। यूजुअली इससे इंट्रैक्शंस बहुत कम होते हैं, हार्ट के लिए सेफ है, विजन के प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर नहीं करता, और देखा गया है कि लो डोज में टडालाफिल लिया जाए तो पिनाइल रिहैबिलिटेशन में बहुत हेल्पफुल है। तो ओवरऑल टडालाफिल को आजकल प्रेफर किया जाता है, बट बहुत सारे कंपनीज इसे बनाते हैं और इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कितने अच्छे सॉल्ट को हमने यूज़ किया है, कितनी अच्छी कंपनी का हमने मॉलिक्यूल लिया है। इसलिए मेरी एक सलाह ये ज़रूर रहेगी कि टडालाफिल के बारे में जानें तो ज़रूर, पर इसे लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लें। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे ये इंट्रैक्ट कर सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है टडालाफिल लेने से पहले, नहीं तो कभी कभी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो कृपया इसे खुद से ना लें OTC के फॉर्म में, बट एक बार डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लें, और अगर आपके लिए सूटेबल है तो आप ज़रूर इसको स्टार्ट करें। टडालाफिल अलग अलग डोजेज में अवेलेबल है, 2.5 mg की डोज से स्टार्ट हो जाती है, 5 mg, 10 mg, 20 mg तक की डोजेज इसकी अवेलेबल है। नॉर्मली हम इसको 5 mg की डोज में स्टार्ट कर सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनमें एक्चुअल इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। जिन पेशेंट्स में एक्चुअल प्रॉब्लम है उनमें यूजुअली 10 या 20 mg की डोज़ हम स्टार्ट करते हैं। यूजुअली इसको एक ही बार दिन में लेना होता है, और बहुत पेशेंट्स जिनको इससे अच्छा रिस्पॉन्स होता है उनको हम एक दिन छोड़ के एक दिन लेने की सलाह भी देते हैं।